खबर जाने देश विदेश और झारखंड से। पहला खबर है रामगढ़ से। जिले को सर्वाधिक सुधार के लिए देश में मिला पहला स्थान। 72वें गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को बाजार टाण स्थित सिद्धू कानू जिला मैदान में उपायुक्त संदीप सिंह ने झंडारोहण किया। उपायुक्त ने कहा कि पिछले वर्ष हम सभी के लिए एक नई स्वास्थ्य चुनौती रही है। वर्तमान में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। वैक्सीनेशन के साथ कोरोना से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपयोग को जारी रखना है। खबर है रांची से। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को नोटिस। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन खरीद के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका अनामिका गौतम ने खुद के खिलाफ देवघर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के खिलाफ दायर की है। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन ने अदालत में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है। इन दोनों को अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका में प्रतिवेदी बनाया गया है। ऐसे में अदालत इनका भी पक्ष जानना चाह रही है। खबर है जमशेदपुर से। सीएम से लेकर मंत्री तक आए पर 5 साल में नहीं सुधरी झारखंड के एमजीएम अस्पताल की सूरत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब रांची से स्वास्थ्य मंत्री बनकर शहर लौटे थे तब उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं सुधार सकता एमजीएम तो फिर दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है। लगभग 1 साल पूर्व उन्होंने साक्षी स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था। यह खबर है रांची से। बीएसएफ के 2 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। रांची के अजीत टेटे को दूसरी बार मिला सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के 2 अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इनमें अजीत टेटे को सुरजीत सिंह गुलेरिया को अवार्ड दिया गया है। बता दें कि अजीत टेटे झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं और सेंट जेवियर कॉलेज में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बड़कागांव में सौतेली माँ ने नाबालिग बेटे को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। खबर बताया जा रहा है कि हजारीबाग से है। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव थाना क्षेत्र सांड में एक सौतेली माँ द्वारा अपने सौतेले बेटे को पीट पीट कर मार देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। वहीं आरोपी सौतेली माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनातू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। AK-47 समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। पलामू पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने AK-47 समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी सदर SDPO के विजय शंकर ने दी है। श्री शंकर ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र के मदैया इलाके में नक्सली जमे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस मंगलवार की रात जंगल में छापेमारी अभियान चलाई थी। इसी दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से बूटन मासूम और कोरा शामिल है। यह खबर है लोहरदगा से। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जॉब ओरिएंटेड फोर्स पर दी जोर। बोली, महिलाएं बने स्वावलंबी। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान लोहरदगा जिले के सनहा प्रखंड स्थित बरही में नवनिर्मित कुमेन कॉलेज और गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में नवनिर्मित मॉडल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि बेहतर व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है। विकास का सफर शिक्षा के रास्ते से ही शुरू होता है। हम विद्यार्थी को गुणवत्ता शिक्षा मिले इसे सुनिश्चित किया जाना बेहतर जरूरी है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोप के बाद पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने स्वीकार की बात। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया, जिसके बाद किसानों आंदोलन को लेकर एक तरफ से सवाल उठने लगे हैं। इसी मामले को लेकर पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू का भी भारी विरोध हो रहा है। उन पर आरोप लगे हैं कि जब लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया तो वह मौजूद थे और उन्होंने लोगों को साथ दिया। हर तरफ से घिरे सिद्धू ने भी अब ये स्वीकार किया कि जब लाल पर किसान साहिब का झंडा फहराया गया तब वहाँ मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए
दीप सिद्धू इस बात को स्वीकार किया कि झंडा फहराते वक्त वहां पर थे। हालांकि उन्होंने एक ककर अपना बचाव भी किया कि उन्होंने यहां उनके समर्थकों ने तिरंगे झंडे को वहां से नहीं हटाया था। सिद्धू ने कहा कि निशान साहिब का झंडा फहराना विरोध एक सांकेतिक तरीका था। महिला पत्रकार के साथ हुई अश्लील हरकत, ट्वीट कर कहा इसके जिम्मेदार योगेंद्र यादव और राकेश टिकैता। जब पूरा देश धूमधाम से 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तो वहीं किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च दो कदम भी नहीं चल पाया कि हिंसात्मक रूप ले लिया। गणतंत्र दिवस पर अन्नदाताओं के आतंक से आज राजधानी दिल्ली सहम गई। किसानों ने पुलिस पत्रकार किसी को भी नहीं बख्शा। जब एक महिला पत्रकार ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि उनके साथ ट्रैक्टर परेड के दौरान अश्लील हरकत हुई और उसके जिम्मेदार योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत है, इन दोनों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। महिला पत्रकार पूजा पांडे ने ट्वीट के माध्यम से अपने साथ हुई आपबीती को बयां किया है। अन्नदाताओं ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। जिस वक्त लाल किले पर हुआ हमला मौजूद थे 250 बच्चे। कृषि कानून के विरोध में कल अन्नदाताओं ने लाल किले पर हमला बोल दिया। लाल किले पर लगे तिरंगे को नीचे उतारकर फेंक दिया और अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद तलवार लिए अन्नदाता काफी देर तक लाल किले पर उपद्रव करते रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लाल किले को अन्नदाताओं से मुक्त कराया। जब लाल किले से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है, खबर यह है कि जिस वक्त अन्नदाताओं ने लाल किले पर हमला किया उस वक्त करीब 250 बच्चे मौजूद थे। 6-7 घंटे तक ये बच्चे इन दंगाइयों के चलते भूखे प्यासे रहे। अफवाह फैलाने वाले राजदीप सरदेसाई की हो तुरंत गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर उठी मांग। सोशल मीडिया पर इस समय इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हो रहा है। लोगों का कहना है कि उपद्रवी किसानों को सही ठहराने के लिए राजदीप सरदेसाई ने जो दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कुत्सित कोशिश की, ये बर्दाश्त लायक नहीं है। इसलिए बिना देरी किए राजदीप की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा अफवाह फैलाने की जरूरत ना कर सके। किसानों पर तगड़ा एक्शन, कुछ घंटे बहुत ही अहम, मोदी सरकार ले सकती है फैसला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों को उपद्रव की तमाम खबरें सामने आई। ऐसे में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस समेत सभी पड़ोसी राज्य को पुलिस को सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दिल्ली में 26 जनवरी को जो भी बवाल हुआ उसकी जाँच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। राजधानी में क्राइम ब्रांच इस मामले में कल शाम तक एक SIT गठित करने वाली है जो कि पूरे घटनाक्रम की जाँच करेगी। परेड में हिंसा के बाद बदला किसानों का रुख, रद्द हो सकता है किसानों का संसद मार्च। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद किसानों के प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आंदोलन को लेकर किसानों का रुख बदलना है और अब किसानों को संसद मार्च रद्द हो सकता है। सोशल मीडिया पर उठी मांग, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की संपत्ति जब्त कर दिल्ली में हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। किसानों के वेश में छुपे दंगाइयों ने कल गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्रीय शर्म बना दिया। किसान आंदोलन की आड़ में तथाकथित किसानों ने कल पूरी दिल्ली में जमकर दंगा फसाद किए। पूरा देश जब धूमधाम से 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तो वहीं किसानों ने किसी कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च दो कदम भी नहीं चल पाया कि हिंसात्मक रूप ले लिया। हिंसा इस कदर बढ़ गई कि किसान पुलिस जवान पर हमला करने लगे। हद तो तब हो गई जब किसानों ने जबरन तलवार के दम पर कब्जा कर लिया और तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहरा दिया। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये सब आखिर कैसे हो गया, क्योंकि किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन देश की इज्जत का तमाशा बनाया। किसान आंदोलन में पड़ी फूट, दो संगठनों ने आंदोलन से आपस लिया नाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है। एक तरफ देश भर में किसानों के खिलाफ गुस्सा है तो ही दूसरी तरफ किसान संगठन में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। दो किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह ने कहा कि इन सब में सरकार की गलती है। जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही है। जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपये देने की बात की थी तब सरकार कहाँ थी। किसानों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी खामोश, दो लाइन के ट्वीट से
बीच शांति की अपील, फिर चले गए केरल। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन की जहां चौतरफा आलोचना हो रही है, वहीं कांग्रेस इसमें बचकर बयान दे रही है। वह न तो किसानों के इस प्रदर्शन की खुलकर आलोचना करती दिख रही है, न ही समर्थन। राहुल गांधी ने कल इसी अंदाज में ट्वीट किया कि उन्होंने इशारों में उपद्रव मचाने वाले किसानों के गांधी की शांति संदेश दिया है, साथ ही कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। 18 वर्षों से पाकिस्तान की जेल में बंद हसीना बेगम भारत लौटी, बोली लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। 65 वर्षीय हसीना बेगम जो 18 साल पहले अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी, लेकिन पासपोर्ट खो जाने के कारण से वह वापस नहीं आ सकी। उन्होंने पाकिस्तान के जेल में बंद कर दिया गया था। औरंगाबाद पुलिस द्वारा इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मंगलवार को वह भारत लौट आई। वतन लौटने पर उनके रिश्तेदार और औरंगाबाद पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी मुश्किल से गुजरी और अपने देश लौटने के बाद मुझे शांति का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे पाकिस्तान में जबरदस्ती कैद कर लिया गया था। उन्होंने कहा, मैं मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए औरंगाबाद पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ट्रंप के जाने के बाद चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बने पीएम मोदी। यदि आपको लगता है कि जो बाइडेन के वर्तमान रुख के बाद चीन को वैश्विक पटल पर वर्चस्व जमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, तो जरा ठहरिए। अमेरिका के पीछे हटने के बाद अब भारत ने चीन के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया है। जून 2020 में जिन अब उसे भारत ने अस्थायी कर दिया, यानी टिकटॉक सहित 59 ऐप पर लगा प्रतिबंध अब कभी नहीं हटाया जाएगा। लाल किले पर हुई घटना से शर्मिंदगी महसूस कर रहे रॉबर्ट वाड्रा भूल गए कि उनकी तस्वीर ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। लाल किले पर किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के नाम पर कल जो देश शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। किसान आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में इस घटना के बाद फूट पड़ गए। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी सियासत कर रहे हैं, वहीं सरकार अपने तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कंपनियों तैनात हो गई है। मामले पर गृह मंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार इस मामले पर मैराथन बैठक चल रही है, लेकिन इस सब के बीच यह पूरा देश मान रहा है कि कल जो घटना लाल किले पर घटी, उसने पूरी दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुँचाया। लाल किले पर उपद्रव से देश में आक्रोश, हरियाणा में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। किसान प्रदर्शनकारियों को दिया 24 घंटे में हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम। दिल्ली में फर्जी किसानों को उपद्रव से पूरे देश में आक्रोश है। लाल किले पर तिरंगे के अपमान से आम लोगों को काफी नाराजगी है, इसकी अब अभिव्यक्ति होने लगी है। हरियाणा में दिल्ली जयपुर हाईवे पर साहबी पुल के निकट धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों से आसपास के गांव के प्रतिनिधियों ने खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक भी शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर हुई, जिसमें किसानों को धरना खत्म करने के लिए कहा गया है। खबर अब खेल जगत से, एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में लगेगी खिलाड़ियों पर बोली। आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने बुधवार को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। चेन्नई भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 2 मैचों की मेजबानी करेगा। दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी को खत्म होगा और इसके अगले ही दिन आईपीएल का ऑप्शन होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।